अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं जी सबके? रमज़ान का महीना चल रहा है माशाल्लाह से बरकतों वाला, और बस हम लोग तो 3-4 बजे में तैयारी शुरू कर देती हूँ। तैयारी क्या, छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ चलती रहे ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता ना। क्या होता है कि जब रमज़ान थोड़ा कम रह जाता है तो फिर जल्दी 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 क्या वो होना शुरू हो जाता है, टाइम गुजरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं ना बना रही थी खाना, और उसके लिए मैं कल लाई थी मटर, और वो छील रही हूँ। तकी मुझे हेल्प कर रहा है, और है ना तकी, लेकिन मैं इसको कह रही हूँ इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और तुम करो पढ़ाई, मैं साथ साथ मटर छील लेती हूँ। ये क्या किया है? तीन। अब नीचे उठा। और फातिमा जी गई हुई अपनी नानों की तरफ, वो भी गई हुई अपनी नानों की तरफ, और मैं और तके यहाँ पे घर पे हैं। तके, आर यू मिसिंग फातिमा? नहीं। क्यों? पागल है वो, क्यों? उसको ये है कि वो अपनी नानों के घर क्यों रुकी है, मैं क्यों नहीं रुका, इसके चल रहे जी एग्ज़ाम, और फातिमा तो अभी स्कूल नहीं जा रही है, वो सितंबर से स्टार्ट करेगी, और एडमिशन हो गया फातिमा का अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए वो ज़रा कह रही है कि जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तो अम्मी कह रही थी कि वो ज़रा इंजॉय कर ले अपनी लाइफ, जी ले। तो मैंने भी कहा जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। और फातिमा तकी के चल रहे एग्ज़ाम्स तो वो नहीं गया, वो मुझे हेल्प कर रहा है मटर छीलने में। और मम्मा जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे प्लीज़। ओके ठीक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैं खुद ही छील लेती हूँ ये मटर। बुरी बात बेटा, चले जी मटर छीलते हैं, तकी को पढ़ाते हैं, और फिर जाके आज फातिमा को वापस भी घर लेके आना है, क्योंकि ना वो अपने कपड़े लेके गई है ना कुछ उसके साथ, मैंने दिया अचानक गया, और मैंने कहा इसको इधर ही रहने दो, तो मैंने कहा चलो रुक जाओ। तो चले जी जल्दी से काम ख़त्म कर ले, अफ्तारी बनाने, उसके बाद जाते हैं अम्मी की तरफ और लेके आते हैं फातिमा को, है ना। तकी आई हैप्पी? नो, रहने दो उसको उधर ही। नहीं, यू हैव ओनली सिस्टर। ओके ओके, और आपको उससे प्यार करना चाहिए। बस वो मम्मी के घर क्यों गई, मुझे भी जाना है ना। चलो ठीक है, पहले ये कर ले पढ़ाई कर लो, फिर हम मम्मी की तरफ चलते हैं। हाँ। और चेयर पे बैठो अपनी, मैं आज फातिमा की चेयर पे बैठी हुई हूँ, और देख ले मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, चेयर बच्ची हुई टूटी नहीं है। वाह मम्मा मोटी नहीं, ये अनब्रेकेबल है मम्मा, सबको बताओ। क्या है? अनब्रेकेबल। क्यों? आप इतनी, अगर ऐसी चेयर होती वो पूरी टूट जाती। इतनी मोटी तो मैं टूट जाती, इतनी मोटी तो तकी मैं नहीं हूँ। थोड़ी सी है। नहीं चलो जल्दी से मटर छीलते हैं, अभी किचन में चलते हैं थोड़ी सी। ओके आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बन रहा है मटर कीमा, और उसके अलावा आज ना क्योंकि हस्बैंड रहा हूँ मैं कि भाई कोई बहुत तुमने समोसे पकौड़े खिला खिला के ना बुरा हाल कर दिया, तो अभी नो मोर समोसा पकौड़ा, तो इसलिए ये मैं लेके आई हूँ फिश। वो कह रहे हैं बस मुझे जैसे जब मैं डाइट करता हूँ तो जैसे तुम मुझे देती हो खाने बना के वही दो, तो ये मैं फ़िश लेके आई हूँ फ्रोज़न ही, क्योंकि दूसरी वाली फ़िश है ना उसकी बहुत स्मेल आती है, उसके अंदर कांटे भी होते हैं, और वो मुझसे बनाई भी नहीं जाती सही, मैं लेके भी नहीं आती क्योंकि वो फिर धोना वोना मेरे से नहीं होता ना, पूरे घर में फिर बहुत स्मेल आती है। तो ये फ़िश लेके आई हूँ जिसको कह रहे हैं बोनलेस फिश, तो जिसमें कांटे नहीं है, इसको बस हल्का सा मसाला लेमन शब लगा के मैं इनको थोड़ा सा ऑयल लेके यहाँ तो एयर फ्राई में कर दूंगी, यहाँ फिर एक फ्राई पैन में लेके उधर थोड़ा सा ग्रिल कर दूंगी। तो जी ये आज हमारी इफ्तारी का सामान है, और इसके हाँ जी तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है, और थोड़ी सी ये देखें ग्रेवी इतनी सी अच्छी लगती है ना, बिल्कुल भी वो ड्राई हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता कीमे का मुझे तो। तो अब हम इसके अंदर अपने बाकी के सामान डालते हैं, जैसे कि ये कुछ हरी मिर्ची डालती हूँ, नहीं पहले मैं कुछ और थोड़ा मसाला डाला, और ताकि इसकी खुशबू अच्छी अच्छी आए।
और उसके बाद ये चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे हरी मिर्चें, धनिया, और ये थोड़ा अदरक भी, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे कर देंगे दम दमा दम, और फिर इसको खोलते हैं कैसा बनता है हमारा मटर कीमा। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और अम्मी की कॉल आ गई कि इधर आके इफ्तारी करो, और बस अब मैं अपना बोरिया बुस्तरा समेटती हूँ और जाती हूँ अम्मी की तरफ, जाके इफ्तारी करते हैं। क्योंकि बस अभी फातिमा भी, क्यों, क्योंकि उधर उसको भी लेना ही था, तो मैंने कहा क्यों ना इफ्तारी भी इकट्ठी की जाए। तो बस थोड़ा बहुत ये कि टाइम कम है, तो बस निकलते हैं, फातकी को भी ले लेती हूँ और अबाया पहनती हूँ, और फिर चलती हूँ अम्मी के घर और देखती हूँ अम्मी ने क्या इफ्तारी भी बनाया। मैंने अम्मी को कहा था अम्मी बहुत दिनों से वही समोसे पकौड़े चाह रहे, तो सिंपल सिंपल रखेगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बनाया है, और चलते देखते हैं। इसको मटर कीमा रेडी है, और इसको भी किसी बर्तन में डाल लेते हैं, और ये भी ले लेते हैं। आजकल तो इतना रोज़े की वजह से कुछ दिल ही नहीं करता करने को। हाँ, ये बॉक्स में इसमें आ जाएगा पूरा, और ये ले लेते हैं। और क्या करना है, हाँ बस फिलहाल सालन हमने ले लिया है, और हम जा रहे हैं अब मम्मी की तरफ, और गर्मी इतनी हो गई है। ये रोटी पतली वाली, यहाँ से हमने रोटी ली है, और अब हम पहुँच गए अम्मी के घर। टाइम में बहुत हैवी लग रही है, आज रोज़ा थोड़ा लग रहा है। अरे क्यों, चुप करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मी? ठीक है, ये वो सालन है, ये रोटी है। मेरा हाथ आता क्या जोर से थोड़ा लग रहा है। अच्छा, तो मैंने क्यों हाथ आ गया? क्या बनाया आपने? अस्सलाम वालेकुम, भिंडी, और ये क्या है, राइस, और ये क्या बना रही है? पकौड़े। अच्छा अच्छा, चले मैं देख। मैं फातिमा को सरप्राइज। फातिमा किधर है? मम्मी नीचे आई नहीं अभी ऊपर? फातिमा मिले नहीं मामा से? अदा से मिले? क्या बनाया मामा ने? नहीं, मेरी मामा ने अभी बुला रही। चल बुला रही है आपको मामा, तुम इधर आ जाओ। फातिमा उसका रोजा, तुम आ जाओ। बस फातिमा, बाबा भी आ गए, बाबा से तो मिलो। बाबा नीचे हैं, बाबा आ रहे हैं। इधर से फ्रूट वगैरह काट लेते हैं, वॉश करते हैं, काट के रख लेते, खाता जाएगा छोटे छोटे। आप पकौड़े भी हो क्या था कि इसके अंदर कर लो, और मैंने कहा अम्मी फ्रूट चाट नहीं बनाते, ये थोड़ा आप काट के रख लेती हो ना, ऐसे खाया जाएगा। अम्मी किधर इधर आ, पता कटे हुए हो ना, बनाना भी छोटे काट लेती हूँ, अंगूर भी कैसे रख लेती हूँ। नाशपाती किधर है? तो आज हमने, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा की विलादत भी है, तो हमने ज़्यादा ग्रीन ग्रीन चीज़ें रखी हैं, जैसे भिंडी, और ये मटर कीमा है, चने पकौड़े, और ये फल थोड़ा, और ये फिरनी है। आजो बेटा, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। अब पहले इफ्तारी करते हैं, अजान हो गई है, मैं राइस और रोटी लेके आती हूँ। चलो जी, पहले इफ्तारी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी करते हैं। वो वाला पंखा चला देते हैं। चले जी, और लस्सी भी है, लस्सी 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 भी है। अब मैं चावल ले आऊँ। जी तो अफ्तारी हमारी हो गई है, और नमाज भी पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर आ गए थे दस्तरखान पे, फिर थोड़ा हल्का फुल्का खाना पीना चलता रहा। तो अभी अब बिल्कुल फुल हो गए, खाना खा लिया है, और हिम्मत नहीं है कि अब ये गंदे बर्तन उठा के रखे जाए। बस अब चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और साथ में बर्तन उठाते हैं।
काश कोई जादू होता अफ्तारी के बाद ऐसे पढ़ते मंत्र बर्तन धुल के दस्तरखान सब कुछ फ्रिजों में चला जाता ढाम के और हर चीज़ हो जाती है ना अम्मी। कोई होना चाहिए था वैसे, कोई जादू नहीं आता अम्मी को, बस खाना बनाने का जादू आता है, खाना समेटने का जादू किसी को भी नहीं आता। हाँ बाकी कोई ख्वाहिश हो ना, मैं कहूँगी अल्लाह मेरे कोई ऐसा जिन दे जो घर के काम करते रहो जाके। चले फिर भी करते हैं, अभी खुद ही जिम बनना पड़ेगा। उठाते हैं बर्तन और बनाते हैं चाय और होते हैं एक्टिव। बच्चे गए खेलने कूदने, तब तक बच्चे भी खेल लेते हैं, फिर मैं भी बच्चों को लेकर फिर चलूँगी घर। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें अली जी चाय, अब बर्तन शर्तन धो लिए और अभी बर्तन धुल गए हैं। अभी चाय अच्छी बनी है, बहुत मज़े की। मैं भी पीती हूँ अब अपनी चाय। और हाँ ये मेरा बच्चा है फातिमा भी आ गई। फातिमा खाओ अपना, वो जल्दी खा लो, छोड़ो ये। और अभी फाइनली चाय पीने का मौका मिला है ना। मैंने ना अभी चीनी की जगह नमक डाली और ढेर सारा डाल दिया कि जो ना निकला जा सकते हैं। इतने मज़े से, और इस शक्ल देखे चाहिए इतनी अच्छी है ना कि क्या बताऊँ। अम्मी आपने चीनी क्यों नहीं डाल के रखी हुई थी? खुद अम्मी स्टीविया पीती हैं और मैं चीनी, वो मुझे लगा कि चीनी, और मैंने डाला भी भर भर के कि मीठी चाय पीती हूँ। इतना कड़वा हो गया कि बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़ाया हो गया इतना कुछ। मैं नीचे से चाय मंगवाती हूँ अब एक कप, है ना, है ना, दस्तरखान से मंगवा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नमक डाल लिया मैंने, मोए मोए हो गए। करनी पड़ेगी, किसी काम की नहीं है। अभी हम घर जा रहे हैं और फातिमा बिल्कुल नहीं जाना चाह रही। फातिमा ने रोना शुरू कर दिया, इसको अम्मी के घर रुकना था। चले मैं इसको चुप करवाती हूँ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अभी कुछ नहीं हो गया, इसको अम्मी की तरफ जाना था।